हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू लेट्स स्कोर 100। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th की कम्युनिकेटिव इंग्लिश का राइटिंग स्किल सेक्शन करने वाले हैं। दोस्तों राइटिंग स्किल का जो सेक्शन होता है वो काफ़ी स्कोरिंग होता है, बट उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर हम राइटिंग स्किल में फॉर्मेट को फॉलो करें और जो हमारे आइडियाज़ हैं उनको सीक्वेंशियल फॉर्म में लिखें तो राइटिंग स्किल में भी आप फुल मार्क्स पा सकते हैं। बेसिकली कम्युनिकेटिव इंग्लिश में जो हमारा राइटिंग स्किल का सेक्शन है आप जानते हैं वो 22 मार्क्स का है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग राइटिंग सेक्शन को कवर करने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि राइटिंग स्किल में ईमेल आता है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आता है, फॉर्मल लेटर आता है और आर्टिकल राइटिंग आती है। अगर मैं आपको बोलूं कि ईमेल राइटिंग में आउट ऑफ 3 आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके और क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके आउट ऑफ 3 आप 2 मार्क्स पा सकते हैं। इसी तरीके से और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन तो बहुत आसान होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बहुत ही अच्छे से ट्रिक बताऊंगा कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है। तीसरे नंबर पर हम आते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो कि आपका 7 मार्क्स का है उसमें आउट ऑफ, देख लीजिए आप, फॉर्मल लेटर जो आपका 7 मार्क्स है 7 में से आप 4 मार्क्स आप इजिली पा सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ करके और प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करके आउट ऑफ 7 आप 4 मार्क्स इजिली पा सकते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग में। और उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आर्टिकल राइटिंग का। आर्टिकल राइटिंग जो कि 8 मार्क्स का है उसमें तो कमाल ही हो गया। क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन को अगर आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखें और प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो आउट ऑफ 8 आप 5 मार्क्स क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके ही पा सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। चलिए तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है कम्युनिकेटिव इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन में वो होता है हमारा ईमेल राइटिंग। आइए देखते हैं। अच्छा, अब चूंकि क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करना है विद प्रॉपर फॉर्मेट एंड सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। आइए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एज द स्कूल हेड गर्ल, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आउट ऑफ 3 आप 2 मार्क्स क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके ही पा सकते हैं। सो प्लीज पे वेरी कीन अटेंशन। एज द स्कूल हेड गर्ल राइट एन ईमेल, ईमेल लिखना है 50 वर्ड्स, अगेन वर्ड लिमिट को फॉलो करना है, टू द, किसको लिखना है, द टीचर कोऑर्डिनेटर स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी ऑफ योर स्कूल इन्फॉर्मिंग, ध्यान दीजिए अब ये सब्जेक्ट हमारा आ गया, ईमेल में क्या सब्जेक्ट बनेगा, इन्फॉर्मिंग हर और हिम, सर या मैडम हो सकते हैं, द नीड टू शेड्यूल ट्रांसपोर्ट फॉर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन। ये आप हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट। एट द मैंडेटेड वेन्यू इंक्लूड अ रीजन, प्लीज ध्यान दें, जो जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं यही आपके ईमेल राइटिंग का पार्ट होने वाले हैं, सो प्लीज पे अटेंशन। इंक्लूडिंग अ रीजन why you would need a smaller vehicle instead of the school bus. तो जो lines हमने अभी underline किया है अब देखिए उसको utilize करके कैसे हम out of 3 2 marks, infact अगर आप थोड़ा सा कुछ words, कुछ sentences smartly अगर अपनी तरफ से use करेंगे तो out of 3 आप 3 भी पा सकते हैं। अब देखिए format पहले जानना बहुत जरूरी है कि ये email का format कैसा होता है। ध्यान दीजिए, email जाहिर सी बात email है, तो email from यानी कौन भेज रहा है, सेंडर टू रिसीवर यानी ईमेल कौन भेज रहा है और किसके पास जा रहा है, भेज कौन रहा है, स्कूल की हेड गर्ल, राइट, जा किसके पास रहा है, टीचर कोऑर्डिनेटर के पास जा रहा है। ये सीसी क्या होता है, अब चूंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाना है तो ट्रांसपोर्ट एट द रेट ये स्कूल का नाम लिख दिया गया, स्कूल की बस है ना, स्कूल का नाम .com। उसके बाद डेट, जाहिर सी बात है अगर 10th of September आप कोई भी डेट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फरवरी की भी लिख सकते हैं, आपका एग्जाम जो 26 फरवरी को है तो 26 फरवरी का भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ईमेल, मान लीजिए अगर ईमेल सितंबर 10 को जा रहा है, इसका मतलब जो फंक्शन होगा आगे आने वाले 2-3 दिन बाद होगा, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ जो डेट डालेंगे एक्चुअल इवेंट होगा वो 2 या 3 दिन के बाद होगा, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट हमको यहीं मिल गया, क्या सब्जेक्ट क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट फॉर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, ये हो गया आपका ईमेल का सब्जेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, सॉल्यूशन भी है स्लाइड में, अगली स्लाइड में देखते हैं कि हमें सॉल्यूशन कैसे लिखना है, राइट। अब देखिए प्लीज ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में, अब या वो बारी आ गई कि क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन को कैसे हम यूटिलाइज करके फुल मार्क्स ला सकते हैं। ध्यान से दीजिए, देखिए फ्रॉम
ईमेल किससे? जाहिर सी बात हेड गर्ल, इसी देखो ये हेड गर्ल है स्कूल की, और ये स्कूल का नाम हो गया, बेसिकली स्कूल की ईमेल आईडी हो गई, हाँ स्कूल का नाम हो गया। उसके बाद ये देखिए ये कोऑर्डिनेटर को लिखना है हमें, है ना, ये स्कूल का नाम हो गया। उसके बाद सीसी हो गया, सीसी तो हम अपने आप बना ही लेंगे। देखिए ये तीनों चीज़ें देखिए बार बार कॉमन है, gkschool@gmail.com है ना, @gkschool.com है ना, तीनों में, क्योंकि एक ही स्कूल की बात हो रही है, उसी स्कूल की स्टूडेंट भी है, कोऑर्डिनेटर भी है, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसी स्कूल का है। डेट अब देखिए, डेट 10 सितंबर का है, तो एक्चुअल इवेंट कब होगा? 2 या 3 दिन बाद होगा, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन में देख लिया था, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में लिखा था कि जो ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर है वो सर या मैडम, हिम या हर कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप डियर मैडम या डियर सर, डिपेंडिंग ऑन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसकी बॉडी की चर्चा बाद में करेंगे, मेन बॉडी की। उसके बाद ध्यान दीजिए, वार्म रिगार्ड्स लिखना है, उसके बाद योर्स सिंसियरली जरूर लिखना है, उसके बाद ये डेजिग्नेशन हो गया, और ये हो गया नेम। नो नेम दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो नेम हम अपने आप से इन्वेंट कर लेंगे। अगर आप देखिए, अभी हम मेन बॉडी की तो चर्चा ही नहीं, इसकी हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। ये सब देखिए, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिल गया। हमने अपनी तरफ से डियर मैम या सर ऐड किया, उसके बाद वार्म रिगार्ड्स ऐड किया, योर सिंसियरली हमने अपनी तरफ से ऐड किया, कोई भी मेल हो सभी में चल जाएगा, फॉर्मल ईमेल में। उसके बाद ये नाम अपनी तरफ से हमने ऐड किया, और उसके बाद डेजिग्नेशन। अब देखिए जो क्वेश्चन की बॉडी है उसमें कुछ अलग से नहीं करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। कैसे? आइए देखिए, विद रिगार्ड्स टू द अपकमिंग इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, क्वेश्चन में मिल गया था हम लोग। अब जो कि 10th को लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इवेंट जो होगा 2 या 3 दिन बाद होगा। अब इसमें भी आप लोगों को याद है, पिछली क्लासेस हम लोगों ने नोटिस राइटिंग सीखी थी, डे डेट एंड टाइम, जो ईमेल की मेन बॉडी होगी उसमें डे डेट और टाइम लिखना होगा। देखिए ये डे हो गया फ्राइडे, डेट हो गया 12 सितंबर 2023, और टाइम हो गया 8:08। पढ़ लेते हैं जरा, फ्राइडे एट द मैंडेटेड वेन्यू प्लीज फाइंड इट कन्वीनियंट टू शेड्यूल ट्रांसपोर्टेशन फॉर आर टीम फ्रॉम द स्कूल प्रीमाइसेस, यानी स्कूल से 8:30 जो डांस कॉम्पिटिशन है इंटर स्कूल, यानी दूसरे स्कूल में जाएंगे तो उसके लिए 8:30 शेड्यूल ट्रांसपोर्ट फॉर द आर टीम। अच्छा उसमें लिखा था ना कि आप इसको जरूर मेंशन करिए कि स्कूल बस की जरूरत नहीं है। नाउ यू वी नीड टू गिव द रीजन, रीजन देखो क्या दिया गया है, रीजन है यहाँ देखिए, आर स्कूल्स पार्टिसिपेशन इज ओनली इन द सीनियर कैटेगरी विद 6 स्टूडेंट्स, हेंस द मिनी वैन वुड सफाइस इंस्टेड ऑफ द स्कूल बस, स्कूल बस की जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और क्वेश्चन पिछली स्लाइड में था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, आई गारंटी यू आपको 3 में से 3 मिल जाएगा, कोई काट नहीं सकता, इस फॉर्मेट को जरूर फॉलो करिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। देखिए जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आता है वो या तो किसी पर्सन के ऊपर आएगा या तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा। चलो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट आ गया, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का स्मार्टफोन जो आपके हाथ में है अभी, या आपका लैपटॉप हो गया, या आपका टैबलेट हो गया, आ गया, तो बहुत ही आसान। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है उस चीज से जुड़ी जो फैक्ट्स हैं उसको आप एक ही पैराग्राफ में लिख दीजिए, बट वर्ल्ड लिमिट को फॉलो करिए। और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का वर्ल्ड लिमिट कितना है? 100 वर्ड्स। एक बार देख लेते हैं, अभी समझाऊंगा बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान होता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। देखिए, राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। अच्छा अब आप कहोगे सर 100 वर्ड्स क्या हम काउंट करते हुए एग्जाम में कैसे काउंट करेंगे? बहुत ही सिंपल है, आपकी जो CBSE बोर्ड की एग्जाम की आंसर शीट होती है उसमें आप सबसे पहले तो देखिए, सपोज ये आंसर शीट है, मान लीजिए ये आंसर शीट है, तो आंसर शीट में इतना मार्जिन लेफ्ट में, इतना मार्जिन राइट में आप जरूर छोड़िए, ये इतना ही लिखना है, और एक लाइन में 8 वर्ड से ज़्यादा नहीं आता, राइट। इस तरीके से आप 8:12 जा या 8:13 जा, बस 13 लाइन लिखनी है आपको, 13 लाइन्स। चले आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है नॉट मोर देन 100 वर्ड्स में। ध्यान दीजिए अब इस टॉपिक में क्या दिया गया है, अ पॉटेड प्लांट दैट यू एंड योर सिबलिंग रिसेंटली चोज टू गिफ्ट योर पेरेंट। अब आप लोग जानते हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन 4 मार्क्स का आता है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक इजी सा एग्जाम्पल देता हूँ कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपका डिवाइस जिस पर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, चाहे मोबाइल हो सकता है, चाहे टैबलेट हो सकता है, चाहे लैपटॉप हो सकता है, सबसे पहले अगर इसका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये किस कंपनी का है, आपने कितने का खरीदा है, फिर आप लिखेंगे उसकी साइज, स्क्रीन की साइज़ क्या है, उसका रैम क्या है, उस रैम की कैपेसिटी कितनी है, रोम की कैपेसिटी कितनी है, प्रोसेसर कौन सा लगा है, राइट। तो ये और उसके ढेर सारे फीचर्स है ना, तो यही सीक्वेंशियल ऑर्डर में करके एक पैराग्राफ में लिख दीजिए और 100 वर्ड लिमिट को फॉलो कर लीजिए, हो गया। अच्छा मान लीजिए ये तो हो गया किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर मान लीजिए कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना किसी पर्सन का, फॉर एग्जांपल हम सभी लोग गांधी जी को जानते हैं, तो गांधी जी का एग्जांपल लेते हैं। अगर आ गया कि गांधी जी के अबाउट गांधी जी राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, राइट,
क्या होगा, अब कोई भी पर्सन हो उसकी लाइफ को हम थ्री स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, चाइल्डहुड, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। तो गांधी जी का चाइल्डहुड में क्या लेंगे कि कहाँ बॉर्न हुए थे, किस डेट को बॉर्न हुए थे, उनकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई, फिर एडल्ट हायर एजुकेशन के लिए वो कहाँ गए, फिर आगे आने थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ में या अपने एडल्टहुड में ही उन्होंने भारत की फ्रीडम में क्या क्या रोल प्ले किया, साउथ अफ्रीका में क्या किया, और फिर हाउ ही वॉज यू नो हाउ ही गॉट किल्ड। तो इस तरीके से आप करके एक ही पैराग्राफ में लिखना है, 100 वर्ड्स में लिख दीजिए, हो गया। सो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन बहुत ही आसान होता है, बट सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में, राइट। चलिए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन टेकअप करते हैं, या इसका मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग सोल्यूशन इसका पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान होता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा फॉर्मल लेटर, राइट। तो अब देखिए, जैसे मैंने आप लोगों से वीडियो की शुरुआत में ही प्रॉमिस किया था कि जो फॉर्मल लेटर होता है, बेसिकली दो फॉर्मल लेटर आएंगे जो कि 7 मार्क्स का होता है, और फॉर्मल लेटर में जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, अगर उसको हम ध्यान से पढ़ें और स्मार्टली यूज करें विद प्रॉपर फॉर्मेट, ट्रस्ट मी 4 मार्क्स आप क्वेश्चन के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके ही पा सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन इसलिए ध्यान से पढ़ना होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट अ लेटर टू द लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन कहाँ का है, ये सिटी लाइब्रेरी का। अच्छा, इसमें भी 120 वर्ड्स, अब चूंकि 120 वर्ड्स है तो 15 लाइन्स, सीबीएसई बोर्ड की आंसर शीट का 15 लाइन्स, से ज़्यादा मत लिख, 15-16, एक आध दो लाइन कम ज़्यादा हो सकती है। अब इसमें देखिए, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा फॉर्मल लेटर का सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, देखिए, फॉर परचेज एंड एडिशन ऑफ पॉपुलर फिक्शन एंड नॉन फिक्शन टाइटल्स इन ब्रेल। आप लोगों को पता है कि जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे आप लोग सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर में भी आपने देखा होगा, लिखा रहता है कि विजुअली इंपेयर्ड, फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स, राइट, बेसिकली जो लोग ब्लाइंड होते हैं ना, तो उनके लिए होता है। तो लाइब्रेरी में ब्रेल स्क्रिप्ट की जो बुक है वो होनी चाहिए। ऑल्सो द इनटेक ऑफ ऑडियो बुक्स टू प्रमोट इंक्लूजन, यानी जो नॉर्मल लोग हैं हम लोगों जैसे वो भी पढ़ सकें, और जो ब्रेल लिपि में यानी ब्रेल स्क्रिप्ट में जो लोग पढ़ते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट में वो भी पढ़ सकें, राइट। उसके बाद देखिए क्या, आप क्या हो, यू आर एन एनजीओ एम्प्लॉय फ्रॉम द सेम सिटी। अब देखिए सिटी दोनों की सेम है, यानी जिनको आप लेटर लिख रहे हैं, जिस लाइब्रेरी को, वो जिस सिटी में लाइब्रेरी है वो, और आप जिस सिटी में सेंडर है, दोनों सेम सिटी में रह रहे हैं। यू मे यूज आइडियाज फ्रॉम द यूनिट टू, जो आपकी एजुकेशन, जो आप लोगों की बुक है एजुकेशन अलॉन्ग विद योर ओन आइडियाज। चलिए देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या है, ये देखिए, ये हो गया हमारा सेंडर्स एड्रेस, ध्यान दीजिए प्लीज, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन आपको छोड़ना है, उसके बाद हो गया डेट। डेट में देखिए कॉमा नहीं आ रहा है, जुलाई के बाद कॉमा नहीं आ रहा है ईयर को सेपरेट करने के लिए। उसके बाद ये रिसीवर्स एड्रेस, अब देखिए किसको लेटर लिखना था, लाइब्रेरियन, द लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन कहाँ का है, सिटी लाइब्रेरी का है। अब देखो वेलापुरम, वेलापुरम दोनों सेम सिटी से हैं, तो सेंडर्स एड्रेस एक लाइन गैप छोड़ा, फिर डेट डाला, फिर एक लाइन का गैप, फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सर, उसके बाद सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट यहाँ से, फिर रिक्वेस्ट फॉर एडिशन ऑफ ब्रेल एंड ऑडियो बुक्स, जो कि क्वेश्चन में मिल गया, है ना स्मार्ट बात, कि क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को, अभी इतना ही नहीं और आगे भी देखिए। मेन बॉडी को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, नीचे देखते हैं। उसके बाद योर सिंसियरली आप लिखेंगे, सिग्नेचर आएगा, उसके बाद फुल नेम एंड डेजिग्नेशन। देखिए योर सिंसियरली बाद सिग्नेचर हो गया, उसके बाद फुल नेम हो गया, उसके बाद डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन क्या हो गया, कोऑर्डिनेटर एनजीओ चक्षु। अब हम लोग मेन बॉडी को डिस्कस करेंगे, एक बार इसे क्लीन कर देता हूँ। अब देखिए मेन बॉडी में क्या है, क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, जो अब मेन बॉडी है उसमें 3 पैराग्राफ, कौन कौन से 3 पैराग्राफ, ये जो पहला पैराग्राफ होता है इसे बोलते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ये हो गया लेटर की मेन बॉडी, और इसे बोलते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ। आइए थोड़ा सा क्विकली करके देखते हैं, पूरा तो नहीं करूँगा बट हल्का सा देख लेते हैं। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट इंक्लूजन ऑफ पॉपुलर फिक्शन एंड नॉन फिक्शन टाइटल्स इन ब्रेल एंड ऑडियो बुक्स इन द सिटी लाइब्रेरी। देख लीजिए भाई साहब, आप लोग देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन से तो निकाला है, तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक बार सोल्यूशन ध्यान से पढ़िए, आपको डेफिनेटली आइडिया आ जाएगा, और आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट के कितने मार्क्स हैं ये सब, ये देखो टोटल 7 मार्क्स का है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग टेकअप करते हैं, अगला क्वेश्चन बेसिकली 5A है ये, अगला 5B है, इस ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है, तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, और क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे हम लोगों ने पिछली क्वेश्चन में अंडरलाइन किया था उसको अंडरलाइन करिए, और उन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखेंगे तो आप फॉर्मल लेटर में फुल मार्क्स ला सकते हैं।
इसका भी क्लियर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें भी देखिए, एक बार दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए मेन लेटर का ये इंट्रोडक्टरी बॉडी हो गया, ध्यान दीजिए आप लोग, मेन लेटर का ये इंट्रोडक्टरी बॉडी हो गया, ये हो गया डिटेलिंग, ये हो गया कंक्लूजन, अगेन फिर वही योर सिंसियरली, सिग्नेचर, फुल नेम एंड डेजिग्नेशन। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ विल मूव टू द अपना अगला क्वेश्चन जो कि आर्टिकल राइटिंग है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं आर्टिकल राइटिंग पूरे 8 मार्क्स का है और 8 में से मिनिमम 5 आप क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन को पढ़ करके ही ला सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, आर्टिकल राइटिंग। ये देखिए ये आर्टिकल राइटिंग हमारा 8 मार्क्स का है। पहले हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A को हम लोग ध्यान से पढ़ के देखते हैं कि दी गई इन्फॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो प्लीज़ बी वेरी मच अटेंटिव। सम पीपल प्रेफर सोलो ट्रैवल वाइल अदर्स एन्जॉय ट्रैवलिंग इन अ ग्रुप। सोलो ट्रैवल मतलब अकेले, ग्रुप ट्रैवल आप लोग जानते हैं, सोलो भी आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा इसमें देखो अगला इन्फॉर्मेशन क्या, एज हेमा जोसेफ ऑफ क्लास 6 सेक्शन C राइट एन आर्टिकल ऑफ योर स्कूल मैगजीन में आर्टिकल देना है। जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए आर्टिकल लिखने में यूज होगी, इन अबाउट 150 वर्ड्स। अगेन 150 वर्ड्स में लिखना है तो एक लाइन में 8 वर्ड्स आते हैं तो कितने हो गए अपना, 160 होता है तो वही 18 या 19 लाइन हो गए, है ना आपके आंसर शीट में। और आप लोग बोर्ड की आंसर शीट में ना मार्जिन लेफ्ट और राइट में जरूर छोड़िए, वहीं पे आप लोगों के मार्क्स अलॉट होते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। डिस्कसिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच प्रेफरेंस। ईच प्रेफरेंस मतलब सोलो ट्रैवल एंड ग्रुप ट्रैवल का। एग्जामिनिंग, अच्छा ये देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो डिस्कस करना है, इसके साथ साथ क्या तीसरा क्वेश्चन लगा दिया इसी में, एग्जामिनिंग द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस चॉइसेस। कह रहा कि क्या एडवांटेजेस हैं सोलो ट्रैवल के, क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं सोलो ट्रैवल के, ग्रुप ट्रैवल के, और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें फोर्स करते हैं कि हम डिसाइड करें कि हम सोलो ट्रैवल करेंगे या ग्रुप ट्रैवल करेंगे। तो 3 क्वेश्चन हमें मिल गया, आइए देखते हैं डिटेलिंग। यूज द गिवन क्यूज, ये रहे भैया अपने आपके गिवन क्यूज, राइट, इन्हीं को यूटिलाइज करना है, ध्यान से पढ़ना है, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करते हुए, सीक्वेंस यानी पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा अच्छी इंग्लिश में लिख देना है, दैट्स ऑल। 8 में से आई गारंटी आउट ऑफ 8 यू विल डेफिनेटली गेट 6 मिनिमम 6, राइट। आइए ध्यान से पढ़ते हैं, अब देखिए क्या क्या दिया है, है ना। हाउ कैन लोनलीनेस एंड सेफ्टी कंसर्न्स इंपैक्ट सोलो ट्रैवल, व्हाट आर सम फैक्टर्स दैट कैन मेक सोलो ट्रैवल मोर एक्सपेंसिव, हाउ डज ट्रैवलिंग अलोन अलाउ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डिस्कवरी, एंड व्हाट आर सम एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एबल टू चूज योर आइटिनरी एंड पेस। बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलो ट्रैवल। इसमें ग्रुप का देखते हैं, हाउ कैन नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, इसमें यह दिया हुआ है कि ग्रुप ट्रैवल के क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, और इस तीसरे पैराग्राफ में दिया गया है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच मेक अस चूज कि बेसिकली हम सोलो ट्रैवल करेंगे या ग्रुप में ट्रैवल करेंगे। देखो इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन को आंसर में कैसे लिखा गया है आप लोग पढ़ लेना, मैं साइड में हो जा रहा हूँ स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं कि इनको कैसे यूटिलाइज किया है। प्लीज़ ध्यान दीजिए ये आर्टिकल राइटिंग है, और आर्टिकल राइटिंग में एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल राइटिंग में, एक सेकेंड क्या इंपॉर्टेंट होता है बता रहा हूँ आपको। देखिए अब चूंकि आर्टिकल राइटिंग है तो सब पे हेडलाइन और बाईलाइन लिखना होता है, राइट। हेडलाइन क्या बनेगा, हेडलाइन हो गया चूजिंग योर ट्रैवल स्टाइल सोलो या ग्रुप, द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स यानी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऑफ सोलो एंड ग्रुप ट्रैवल, ये हो गया अपना क्या हेडलाइन हो गया, राइट। और ध्यान दीजिए हेडलाइन का ये सब कैपिटल में होता है, फर्स्ट ट्रैवल यो है सी देख रहे हैं आप लोग, उसके बाद बाय, ये बाईलाइन है बाय हेमा जोसेफ जो कि क्वेश्चन में ही मिल गया, इतने के आपको एक नंबर मिल गए, राइट। आइए आगे देखते हैं, अब ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, राइट, ये सोलो ट्रैवल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए, दूसरे में ग्रुप ट्रैवल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो गए, और तीसरे में क्या हो गया, फैक्टर्स विच फोर्स अस टू डिसाइड कि भैया आप सोलो ट्रैवल करोगे या ग्रुप में ट्रैवल करोगे, राइट। तो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ दी गई थी सारा सीक्वेंसल ऑर्डर में करके लिख दिया, उसके बाद एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो गया ये, राइट। अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग इसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद इसको जरूर समझे, आई गारंटी यू आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आर्टिकल राइटिंग कैसे करनी है 150 वर्ड्स में। नाउ इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, है ना, टोटल 8 मार्क्स का हुआ, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं, राइट।
जो कि वो भी आर्टिकल राइटिंग ही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बेसिकली क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स दोनों में आपको चॉइस मिलेगी, जिस पे आपको लगता है कि आप इजीली अच्छे से लिख पाएंगे उसको आप जरूर चूज करिए। मैं साइड में हो जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सिक्स आप देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर सिक्स के देखो ये हिंट्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे आपको सोल्यूशन लिखना होगा। देखिए ये रहा सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर सिक्स का रहा सोल्यूशन, आप इसकी एक स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिए। एंड ये देखिए अपना, ये देखिए ये अपना हेडलाइन हो गया। हेडलाइन में जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ प्लीज़ ध्यान दीजिए, एस कैपिटल में, टी कैपिटल में, बी कैपिटल में, ओ कैपिटल में, एंड का स्मॉल में रहेगा बाय। ये देखिए ये तो क्वेश्चन में ही मिल जाता है। अगेन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मेन बॉडी, कंक्लूजन, मेन बॉडी, मेन बॉडी में आई थिंक कॉजेस, कॉज एंड इफेक्ट होगा, ये कॉज एंड इफेक्ट होगा, उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ ही होगा, है ना। तो दोस्तों अगली वीडियो आप लिटरेचर सेक्शन पर चाहते हैं, ग्रामर सेक्शन पर चाहते हैं, कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।